नमस्कार विनोद नमस्कार पाठक सर। जी, जयपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और आप जानते हैं कि राजस्थान में जो भी कुछ हो रहा है वो विनोद पाठक जी से बचता नहीं है। तो पिछले 2-3 दिनों में तो इतना सब कुछ हुआ कि हमें लगा कि शायद हम लेट हो गए हैं। लेकिन चलिए साहब, कोई बात नहीं, आज कई मुद्दे और नए भी सामने आ गए हैं। जो घटनाक्रम चला है पिछले दिनों में, उसमें आज एक नया मुद्दा ये भी जुड़ गया कि आज असदुद्दीन ओवैसी पहुंच गए हैं। आज राजस्थान के दौरे पर उन्होंने पहुंच जाते ही ये कह दिया कि साहब, कांग्रेस और बीजेपी में तो यहाँ मैच फिक्सिंग चल रही है, हम इनकी मैच फिक्सिंग खत्म करने के लिए यहाँ पर आए हैं। उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन विनोद जी, ये जो वीरांगनाओं वाला मुद्दा है, इसे तो बीजेपी ने बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। इसके बारे में बताइए, ये क्या क्या है, कब से शुरू हुआ, क्या क्या घटनाक्रम रहा इसमें? देखिए, मार्च के पहले हफ्ते में एक दिन अचानक ऐसा हुआ, जब विधानसभा चल रही थी तो विधानसभा का जो एक गेट है, जो मुख्य गेट है, उस पे अचानक ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो बीजेपी के राज्यसभा सदस्य भी है, बड़ा फायर ब्रांड नेता है और धरना प्रदर्शन इन सब के लिए बड़ा प्रसिद्ध है वो राजस्थान में, और प्यार से लोग बाबा भी कहते हैं। तो तीन वीरांगनाएं जो थी, जो पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को जो एक आतंकी हमला हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, उसमें तीन वीरांगनाएं राजस्थान से, एक तो कोटा से, एक जयपुर से और एक भरतपुर से, इनको लेके वो पहुंच गए गेट पे। और वो गेट, मुख्य गेट पे विधानसभा चल रही थी, बैठ गए। बड़ा हाँ भारी पंगा हुआ, मीडिया का जमावड़ा लग गया। और उनकी जो मुख्य मांगे थी कि साहब, सरकार ने उस वक्त जो है, तीन मंत्री थे, लालचंद कटारिया, शांतिलाल धारीवाल, ये लोग जाके कुछ वादे करके आए थे कि साहब यहाँ मूर्ति लगा देंगे, इनको नौकरी दे देंगे, इनको, मतलब सरकार के कई सारे वादे तो थे, हाँ, शहीदों के परिजनों को नौकरी दे देंगे। शहीदों के परिजनों को। तो अब सरकार का जो एक, जो भी एक मैनुअल है, जो जो भी एक सिस्टम बना हुआ है, उसमें शहीद की पत्नी या शहीद के बच्चों को कोई एक प्रोविजन है कि उनको वो अनुकंपा पे नौकरी देते हैं। अब पहली मांग, अब उसमें क्या हुआ कि उनकी एक जिद थी कि साहब मुख्यमंत्री हमसे मिल लें। तो मुख्यमंत्री जी पिछले 10-12 दिन से, जब से आंदोलन चल रहा है, उसमें नहीं मिले उनसे। और उन्होंने एक नोट जारी किया शुरू में कि ये जो मांगे हैं ये जायज नहीं है और इस तरीके से नौकरी नहीं दी जा सकती है। और उन्होंने बकायदा, सरकार ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें तीनों वीरांगनाएं जो थी, कोटा से जो हेमराज मीणा जो शहीद हुए थे, उनकी पत्नी मधुबाला, उनका पूरा जिक्र किया कि भाई दो मूर्तियां उनकी लग चुकी हैं, ऐसे स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम हम दे चुके हैं, उनका पूरा क्या क्या उनको सुविधाएं दी गई, क्या क्या उनको सहूलियत दी, सबको जिक्र किया। एक और है उसमें, रोहिताश लांबा है जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट से ही है, उनकी पत्नी का जिक्र, जो जाट का, उन्होंने जिक्र किया कि साहब इनको ये दे दिया है। उसके अलावा एक जीतराम गुर्जर और थे, उनकी पत्नी सीता सुंदरी देवी, इनका भी जिक्र किया। तो कुल मिला के सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। कि हमें और जो इन देना बिटवीन था क्या, हमारे एंड से वो दिया जा चुका। हाँ, हमारे एंड से दे दिया, ये मांगे ठीक नहीं है और हम जो है इन मांगों पे एग्री नहीं है। अब वो हुआ क्या कि जब, आपको याद होगा, जिस दिन वसुंधरा राजे का बर्थडे था, उसी दिन बीजेपी का एक यहाँ पे बड़ा प्रदर्शन भी था। हाँ, तो उस प्रदर्शन के दिन किरोड़ी लाल मीणा जी ने ये किया कि उन तीनों वीरांगनाओं को लेके वो पहुंच गए राजभवन, अच्छा। और राज्यपाल को एक उन्होंने ज्ञापन दिलवा दिया कि साहब हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। हाँ, ओहो। क्योंकि हमारी मांगे हमारी सरकार सुन नहीं रही है। और यहाँ जयपुर में अगर आप आएंगे तो राजभवन और मुख्यमंत्री आवास जुड़े हुए हैं। तो मतलब आप राजभवन के गेट से निकलेंगे, मुख्य गेट से, तो आप आराम से मुख्यमंत्री आवास जा सकते हैं, मतलब पैदल का रास्ता है, बिल्कुल दीवारें जुड़ी हुई हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो बात थी कि राजभवन जाएंगे, पर वहां से निकलते उन वीरांगनाओं ने, शहीदों की पत्नियों ने मार्च कर दिया मुख्यमंत्री आवास की तरफ। और वहां बड़ी हौच-पौच हो गई, हाथापाई हो गई, चोट आ गई, जो मंजू जान है वो अस्पताल पहुंच गई। तो बड़ा भारी हुआ वहां पे, और मतलब बहुत मीडिया में हाय तौबा मची, दिल्ली तक इवन स्थिति आ गई कि राजनाथ सिंह जो है, उन्होंने मुख्यमंत्री को फोन कर लिया कि भाई इनकी मांगों पे आप विचार करें। राज्यपाल ने चिट्ठी लिख दी मुख्यमंत्री को, सचिन पायलट ने चिट्ठी लिख दी मुख्यमंत्री को, और बीजेपी जो थोड़ा बच के दिख रही थी वो पूरी तरह इस मुद्दे में साथ आ गई। अब 2-3 दिन के बाद, ये उस दिन जो धरना था वो शुरू हो चुका था शहीद स्मारक पे, यहीं पे विधानसभा के पास।
अब ये उठ के पहुंच गया 2-3 दिन के बाद, सचिन पायलट से मिलने ये तीनों पहुंची, पत्नियां शहीदों की, और उनके घर पे शुरू हो गया धरना। सचिन पायलट मिले इनसे? हाँ, सचिन पायलट मिले, बाकायदा जमीन पे बैठ के मिले, अपने घर के अंदर उनको बुलाया, अपना जो सिविल लाइन्स में आवास है उनका, और उसके बाद ये धरना शुरू हो गया सचिन पायलट के घर पे। मतलब और ये भी खबरें चली कि जो दिव्या मदेड़ा है, जो मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलती रही है पिछले दिनों, विधायक हैं। और गांधी परिवार की काफी करीबी भी है, उन्होंने भी एक कहीं से कयास चला कि वो प्रियंका गांधी से मिलवाना चाहती हैं तीनों वीरांगनाओं। तो यानी कि अशोक गहलोत तो बीजेपी वालों से भी घिर गए और कांग्रेस में भी घिर गए, हाँ, दोनों तरफ से कांग्रेस घिर में गए। भी घिर गए। पर वो इसमें क्या हुआ, मुख्यमंत्री को ऐसी कुछ खबरें हैं कि अंदर पार्टी के अंदर से बड़ा सपोर्ट इसमें मिला, जो अपने वो स्टैंड से टस से मस नहीं हुए, और उसी सपोर्ट के कारण उन्होंने जो है वो फिर एक चिट्ठी जारी की, मतलब एक और ट्वीट किया फेसबुक पे, एक चिट्ठी जारी की कि सब सरकार का स्टैंड जो है ये क्लियर है, हम किसी को देवर किसी के नौकरी नहीं दे सकते हैं। मतलब वो बाकी वो, और जो मूर्ति की बात थी, जैसे हेमराज मीणा जो है शहीद, उनकी पत्नी कह रही थी कि वहाँ सामोद जो कोटा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, उनकी एक मूर्ति और लगाई जाए, तो सरकार ने कहा ऑलरेडी लगा चुके हैं मूर्ति, पर हम ये मांग जायज नहीं है कि आप बोलती रहो यहाँ लगाओ वहां लगाओ, तो वो बात उन्होंने खारिज कर दी। अब परसों रात को क्या हुआ, कल रात को क्या हुआ है, मतलब आज क्या सोमवार की रात को, सोमवार की रात को। सोमवार मंगलवार, हाँ मंगलवार की रात को सरकार ने अचानक ही 3 बजे के अराउंड इन सबको उठाया सचिन पायलट के घर के सामने से, और इनके संबंधित जगहों पे अस्पतालों में भर्ती करवा दिया, भरतपुर वाले को अस्पतालों भरतपुर में भेज क्यों भर्ती दिया। करा दिया? अस्पतालों में क्या मतलब? अब अस्पताल में किसान तबीयत ठीक नहीं है, इतने दिन से आमरण अनशन अच्छा, कर रही है, अनशन कर जबरदस्ती? रही है, अच्छा। हाँ जबरदस्ती एम्बुलेंस में बिठाया और उनके परिवार के 9 लोगों को गिरफ्तार करके थाने में बंद कर दिया। अच्छा। हाँ, अब इसमें घटनाक्रम ये हुआ, कल जो है कल सुबह किरोड़ीलाल मीणा जी एक परिवार से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे, और वहीं पे हाथापाई हुई, पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और वहां उनकी तबीयत बिगड़ गई, और अच्छा। वो इस वक्त जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं। और जो रंजीता कोली भरतपुर से सांसद हैं बीजेपी की, उन्होंने नगर अस्पताल जो है जहाँ पे वो अपना जीतराम गुर्जर की पत्नी जब भर्ती थी, वहां हंगामा हुआ, और आज वो लोकसभा में उन्होंने शिकायत भी की है विशेषाधिकार आनंद की, उनको कुछ अच्छा। चोटें वगैरह आई हैं। तो बीजेपी को क्या है कि मुद्दा वो अब इन्होंने किरोड़ी लाल मीणा और वीरांगनाओं को लेकर आज बहुत बड़ा एक प्रदर्शन किया है जयपुर में, हाँ, मैं देख रहा था, बसे बसे भर के जा रही हैं खूब। वो आज तोड़फोड़ की है, पर उसमें भी क्या हुआ है कि थोड़ा सा किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों ने, जो सतीश पुनिया है बीजेपी के अध्यक्ष, उनके खिलाफ कुछ आए हाय के नारे लगा दिए हैं, क्योंकि वो पिछले 2-3 आंदोलनों में ऐसा हुआ है कि सतीश पुनिया जो है खुल के साथ नहीं आए थे किरोड़ीलाल मीणा के। देखिए किरोड़ीलाल मीणा जो है उनकी राजनीति कुछ अलग चलती है बीजेपी से, वो अपने आंदोलन खड़े कर लेते हैं, धरना प्रदर्शन कर देते हैं, वो तो हमेशा बीजेपी नाराज अक्सर भी रहते उन्हें, हैं, वो एक हाँ तरह से नाराज भी रहते असंतुष्ट हैं, धड़े में रहते हैं। हाँ तो वो कई बार उनके साथ आती नहीं है बीजेपी, तो आप पॉलिटिक्स क्या, आप बीजेपी की मजबूरी होगी कि किरोड़ीलाल मीणा अस्पताल पहुंच गए हैं, पर सरकार बिल्कुल टस्से मस्स नहीं। और आज एक और बड़ा घटनाक्रम हो गया इसी मुद्दे पे, अच्छा। आज मुख्यमंत्री जी ने शेखावटी और मारवाड़ के जो शहीद हुए थे सैनिक, उनके परिवारों को बुला लिया मुख्यमंत्री आवास, अच्छा। और खुद ना कह के उनसे कहलवा दिया कि साहब ये जो मांगे हैं इन तीन वीरांगनाओं की, ये नाजायज हैं, जायज नहीं है, परिवार के किसी आदमी को नौकरी नहीं दी जा सकती है, नौकरी मिलेगी तो या तो शहीद की पत्नी को मिलेगी या तो बच्चों को मिलेगी। तो मतलब अब ये उसकी हो गया एक है कि ऐसी वो हाँ काट ढूंढ के लाए कि आपके ही जो साथी आप ही हैं के जो है, आप ही वो के, आप बिल्कुल ही को वो कर रहे हैं कि साहब गलत है आपकी बात। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और है कि राजस्थान में एक परंपरा है कि जैसे किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो उसके भाई से या जो भी परिवार में ऐसा शादी कोई कर दी जाती है। शादी चूड़ा पहनाने की है, तो वो मतलब बिना शादी के चूड़ा पहन के जो है वो साथ पति पत्नी की तरह रहते हैं, तो इसमें जो एक केस है अपना जीतराम गुर्जर का, तो वो जो जीतराम गुर्जर शहीद है उनकी पत्नी चूड़ा पहन चुकी है देवर का, और उनसे 2 बच्चे भी हो गए हैं। अच्छा।
हाँ, तो ये खबर भी कल यहाँ एक अखबार में जो इसलिए है वो छापी उनकी, दैनिक। मुझे लगता है कि इसलिए उनकी मांग होगी कि उनके मतलब देवर हाँ, जो और उनके अभी पति हैं ये भी उन्हें जो नौकरी रोहिताक्स दे दी है। लांबा को लेके भी खबर है कि वो भी देवर के साथ चूड़ा पहन सकती हैं, तो वो भी एक खबर यहाँ जो है कल, उसके बाद ही सब, भले ये रात को तो उन्होंने पुलिस ने उनको उठाया है और सुबह ये खबर पब्लिश हो गई है। अच्छा, तो आप जी अभी इस समय क्या स्थिति है, वो तीनों महिलाएं कहां पर हैं, मीणा तीनों जी की महिलाएं स्थिति जो क्या है? है वो अपने अपने गांव में हैं, मतलब अपने उन जगहों पे है, अभी तक अस्पताल में थी। अभी लेटेस्ट नहीं आया है कि वो अस्पताल से उनको छुट्टी मिली है या नहीं मिली है। अच्छा, बीजेपी की रणनीति कोहली का तो ये आरोप है कि उनको नजरबंद किया गया है, अस्पताल में मिलने नहीं दिया जा रहा। आज कुछ एक वीडियो भी जारी किया था एक वीरांगना का, कि जिसमें वो कह रही कि हमें जो है बंद कर दिया है अस्पताल में, हमारी तबीयत ठीक है। तो सरकार क्लियर है कि देखो जयपुर से तो हटा दिया है उनको, तो अब जो होना था आंदोलन यहाँ 10-12 दिन का, वो खत्म हो चुका है। और सरकार लगता नहीं है कि इस पे कोई स्टैंड में परिवर्तन आने वाला है। अब इसमें बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया है थोड़ा, कि भाई हमारे सांसद से हाथापाई की, वो उनको मारने की कोशिश की, शहीदों का सम्मान नहीं है, जो उनकी जायज मांगे हैं वो तो मानी जाए। मुख्यमंत्री मारवाड़ से और वहां से लाके तो मिल रहे हैं, शेखावटी से शहीदों की पत्नियों से, पर ये जो 3-12 दिन बैठी रही इनसे नहीं मिल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का ये पे भी एक अटैक है, भाई इनसे क्यों नहीं मिले, ये रवैया गलत है मुख्यमंत्री का। और इसमें सबसे जो तड़का लगाने का काम करते हैं वो सचिन पायलट करते हैं। सचिन पायलट का मैं हाँ सचिन, स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई इनकी मांग सुननी चाहिए थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हाँ जानबूझ के सचिन पायलट ने अपने घर के सामने इन्हें बैठाया था। हाँ बिल्कुल। वो देखिए बस किरोड़ी लाल मीणा इस मामले में बड़े माहिर हैं। वो क्या करते हैं कि अपने मुद्दों को बुनाने के लिए जो सत्ता पक्ष है या उनका विरोधी पक्ष है, उससे वो कहीं ना कहीं सेटिंग अंदर खाने में जो है, भले दिव्या मदेड़ना से उनकी बातचीत चल रही थी, भले सचिन से थी। अच्छा, इसमें एक और जो सैनिक कल्याण बोर्ड के एक बोर्ड के अध्यक्ष है यहाँ पे, जो अपने जसवंत सिंह के सुपुत्र अच्छा, मानविंदर सिंह जसोल, हाँ उन्होंने भी कल एक स्टेटमेंट दे दिया कि साहब ये मुद्दा जो है, चूंकि सीआरपीएफ के जवान थे जो शहीद हुए थे, तो नौकरी जो है स्टेट गवर्नमेंट तो दे नहीं सकती, सीआरपीएफ दे सकती है, तो गृह मंत्रालय नौकरी दे दे। तो उन्होंने की गेंद जो है लेके अब हाँ इसमें सेंट्रल के पास में भी डालने की कोशिश की है। मानवेंद्र तो असल में मुझे लग रहा है बहुत, वो तो असंतुष्ट वालों में ही है। आने वाले कुछ समय के बाद तो वो जसवंत सिंह भी जो है वो असंतुष्ट खेमे में ही चले गए थे जब जब तक जिंदा रहे। हाँ, तो ये मुझे लग रहा है 2-4 दिन और ये मुद्दा रहेगा, फिर धीरे धीरे जो है ये खत्म हो जाए, अच्छा, लंबा खींचता लेकिन मुद्दा भी नहीं है। हाँ ये मुद्दा तो आपने बढ़िया बताया। खैर, इसमें आपने अच्छी खासी डिटेल दे दी। आज धरना प्रदर्शन हंगामा हुआ, मैंने देखा गिरफ्तार भी किए गए बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें। हाँ, बस बस ये तोड़ी गई है, मतलब पथराव हुआ है। कहाँ पे हुआ, ये क्या घटना, ये कहा क्या करना चाह रहे थे ये सब? ये मुख्यमंत्री आवास की तरफ जा रहे थे अपना, तो वहां पे रास्ते में अच्छा पुलिस ने रोका और उस पे पथराव हो गया। अच्छा, अब ये तो चलिए साहब, ये घटना तो बड़ी हो गई। इससे दो चीजें स्पष्ट हो गई कि एक तो बीजेपी की जो गुटबाजी है वो भी इससे एक्सपोज हो रही है। कांग्रेस में भी जो है गहलोत और पायलट के बीच में ट्यूनिंग कोई कुछ है ही नहीं वास्तव में, ये भी इससे खुलकर सामने आ गया। और किरोड़ी लाल मीना जो है वो जो एकला चलो की राह पे चलते हैं वो अभी भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल और इस मुझे लगता है कि थोड़ा सा किरोड़ी लाल मीना को वसुंधरा का भी सपोर्ट रहता है, उन्होंने ट्वीट किया उनको हाँ, लेकर। पूरा 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 सपोर्ट है वसुंधरा राजे का। और आज वसुंधरा राजे लापता भी थी, गायब थी। जो आंदोलन हुआ है बीजेपी का, वो अक्सर आती नहीं है ऐसे आंदोलनों में, कोई धरना प्रदर्शन में दिखती नहीं है, तो आज भी नहीं थी वो। वो रानी है, वो सड़कों पे थोड़ी आती है, वो तो सड़कों पे बाकी चलने के लिए प्रजा है उनकी, वो सब चलता है। चलिए साहब, एक और इसमें डेवलपमेंट जो लेटेस्ट है इस पर और थोड़ा सा प्रकाश डालें। असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हैं आज, और असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि जो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी इनकी जो फिक्सिंग चल रही है इसको हम ब्रेक करना चाहते हैं। क्या इरादा लेके पहुंचे हैं ओवैसी वहां पर? देखिए, दूसरी बार ओवैसी जी का दौरा है। अभी पिछले महीने वो टोंक में आए थे, जो कि सचिन पायलट का विधानसभा क्षेत्र है, और उन्होंने बड़ा फायर किया मुख्यमंत्री पे, सचिन पायलट पे। सचिन पायलट के लिए तो यहाँ तक कहा कि इन्हें कुछ नहीं मिलेगा, और मुसलमानों का यूज करती है कांग्रेस, मतलब उनका जो ज्यादा फायर है राजस्थान में वो बीजेपी से ज्यादा फायर है कांग्रेस की तरफ, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ जो जो मेन वोट बैंक है मुस्लिम्स का, वो वो कांग्रेस के कांग्रेस के पास पास है। है। हाँ, तो वो जो है, और टोंक भी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है जिसमें मुस्लिमों की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, तो उन्होंने जो सचिन पायलट के ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से शुरुआत की थी,
और आज वो जोधपुर पहुंचे और उन्होंने फिर जो अटैक मेन किया वो कांग्रेस पे अटैक रखा उन्होंने, और अच्छा उन्होंने कहा कि टूल टूल बना लिया है कांग्रेस ने सेकुलरिज्म का, मुसलमानों को कुछ नहीं मिला है। और जोधपुर उतरने के बाद वो आज रात को पहुंचे हैं बाड़मेर जो अच्छा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। और आप होगा पिछले दिनों कुछ ऐसी खबरें भी आई थी कि आईबी ने रिपोर्ट दी, मतलब बॉर्डर एरियाज में क्या है, कुछ डिस्ट्रिक्ट है बाड़मेर है, उससे लगे हुए कुछ जैसे जैसलमेर है, या मुस्लिम्स की कुछ बड़ी है पिछले कुछ दशकों में। अच्छा तो हाँ, तो यहाँ वो फोकस करना चाह रहे हैं जो मुस्लिम पॉपुलेशन जहां जहां है वहां वहां ओबीसी का फोकस होगा। तो अभी वो कह रहे हैं कि साहब 40-45 सीटों से ज्यादा पे जो है हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, और खाली खड़े नहीं करेंगे, हम जीतने के नियत से ही चुनाव लड़ेंगे। तो वो ऐसी जगह हाँ पे जाते हैं, बिहार में भी वो सीमांचल में गए थे जहां पे बंगाल से हाँ तो लटकी हुई वो जो सीमा है। बेसिकली आपको पता ही है ओबीसी जो है वो मुस्लिम लीडर हैं, मुसलमानों के ही पैरोकार हैं एक तरीके से, और उनका फोकस भी मुस्लिम सीट्स पे ही होता है। पर ये मुझे लगता है कि बहुत अधिक उनको फायदा होना वाला होगा नहीं राजस्थान में, क्योंकि जो मुस्लिम वोटर है वो बड़ा टेक्टिकल वोटिंग करता है, उसको लगता है कि जो पार्टी हरा सकती है बीजेपी को वो उसके पक्ष में ज्यादा वोट करता है। तो यहाँ मुझे लगता है हाय हल्ला तो खूब मचेगा, पर कांग्रेस उतनी चिंतित नहीं है ओबीसी के आने से कि बहुत ज्यादा वोट कटने वाले हैं उसके। मुझे लगता है 1-8% कोई वोट चला जाए चला जाए, पर सीटों का कोई फायदा ओबीसी को जो है होता दिखता है नहीं। अच्छा, उस उन्होंने क्या पिछली बार टोंक में जब दौरा किया था, कुछ सचिन पायलट के बारे में चर्चा ये आई थी कि वो शायद इस बार टोंक से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो आज क्लियरिफिकेशन कर रहे हैं कि नहीं, मैं टोंक से चुनाव लड़ूंगा। ऐसी स्थिति क्यों आई? देखिए आज सचिन पायलट टोंक में थे और अच्छा। उन्होंने ओवैसी का नाम तो नहीं लिया, पर उन्होंने एक थोड़ा सा एक इशारा करके बोला चुनाव आते हैं तो नई नई राजनीतिक पार्टियां आ जाती हैं बरगलाती हैं, तो इशारा जो ओवैसी की तरफ ही था। तो देखिए टोंक तो क्या है, मुस्लिम सीट तो है ही, साथ में थोड़ा गुजर और वो वोटर भी ठीक ठाक है वहां पे, तो मुझे लग रहा है कि सचिन अगर दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो टोंक से लड़ेंगे। मुझे लगता नहीं कि उस सीट को उनका कोई छोड़ने का मूड है, और पिछली बार लेकिन 70,000 लेकिन का अगर टिकट। अगर ओवैसी कोई अच्छा कैंडिडेट, मुस्लिम कैंडिडेट आएगा, जाहिर है अगर आता है तो नुकसान तो वो पायलट का ही करेंगे, चाहे 10,000 वोट काटे चाहे 5,000 वोट काटे। पिछली बार 70,000 वोटों से पायलट की जीत हुई थी, और जो अपने बीजेपी के वसुंधरा के खास हैं यासीन क्या नाम, जो बीजेपी के एक मुस्लिम वो भी थे मिनिस्टर भी थे, उनको वहां से उन्होंने उतारा था बीजेपी अच्छा, ने, मुस्लिम सारी को उतारा पूरी था तरह बीजेपी ने। हाँ वो पूरी तरह हारे थे। तो अच्छा। 70,000-1,000 वोटों से पायलट की जीत हुई थी, तो आप उसमें कितना काट लेंगे, मुझे लगता नहीं है कि पायलट को कोई ऐसी जो नहीं, है अगर पॉपुलर हाँ, लीडर है। और अगर इस ऐसी स्थिति में है कि वहां बीजेपी को भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारना पड़ रहा है, तो फिर तो पायलट को हराना मुश्किल काम नजर आता है वहां पे। हाँ बिल्कुल चलिए, देखते आसान हैं नहीं है पायलट। ओवैसी का क्या होता है, और आप नजर बनाए रखिए जो भी घटनाक्रम चल रहा है, और समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे, हमसे अच्छा जुड़े रहेंगे। केजरीवाल भी आने वाले हैं 1-2 दिन में यहाँ पे, वो हाँ, रोड शो है उनका। उसकी खबर आई है, लेकिन केजरीवाल जी को तो दिल्ली में मोदी जी ने ऐसा फंसा दिया है कि वहां पे कभी मंत्री बदलने पड़ रहे हैं, कभी कुछ बदलने पड़ रहे हैं। केजरीवाल जी को अब सूझ नहीं रहा है, तो केजरीवाल के बारे में तो कहा जा रहा है कि वो 2024 का छोड़ के 2029 का सोचने लगे हैं वो दिल्ली में तो ये देखिए मुझे चर्चा तो लग रहा है वो 29 तक पार्टी चलेगी उनकी, ये भी मुझे शंका है थोड़ा। चलिए देखते हैं केजरीवाल जी क्या करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद जरूर। विनोद जी, आपका थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।